जो प्रधानमंत्री के इस दौरे में जो तमाम डिस्कशंस होने हैं उसमें पाकिस्तान का मुद्दा, अफगानिस्तान का मुद्दा कितना गंभीरता से, कितनी गंभीरता से रखा जा सकेगा। हमारे साथ पीटीआई के नेता अब्दुल समद साहब भी बने हुए हैं। समद साहब, यहाँ जो ये पूरा घटनाक्रम है जिसमें ऑस्ट्रेलिया भी है, जापान भी है, अमेरिका भी है और भारत भी है, ये सब जब आप देख रहे हैं, पाकिस्तान की टेंशन बढ़ती है कि आपको एक फोन नहीं और यहाँ जो है आराम से मिलकर बैठकर चर्चाएं हो रही हैं, व्हाइट हाउस में डिनर हो रहा है, कार्यक्रम हो रहा है, उनका स्वागत हो रहा है, और फिर कैसे उस रीजन में आपकी भूमिका को कम करना, इस पर भी चर्चा होगी? देखिए, एक चीज तो बड़ी वाजे और इस पर तो किसी को शक नहीं होना चाहिए कि जारी बात है कि दो इंडिया का साइज है, उसकी इकोनॉमिक जो उसकी इकोनॉमी है, उसकी मार्केट है, उसकी ट्रेड है, वो डेफिनेटली हमसे साइज में बहुत बड़ा है। तो अगर आप ये सोचते हैं कि वर्ल्ड कम्युनिटी, या अगर मैं ये एक्सपेक्ट करूं कि वर्ल्ड कम्युनिटी जो है वो इंडिया और पाकिस्तान को सेम ट्रीट करे, क्योंकि अब जो है वो जो आपके जो दूसरे कंट्रीज के कमर्शियल इंटरेस्ट भी हो जाते हैं, वो हर चीज का लेवल डिफरेंट हो जाता है। हम इंडिया को जब बात करते हैं, हम इंडिया के हवाले से, तो हम अपनी जो बैलेंस पावर करते हैं वो इसलिए करते हैं कि हम मिलिटारली उसको काउंटर कर सकते हैं। अब हम इकोनॉमी में तो इंडिया को चैलेंज नहीं कर रहे। अब अमेरिका में अगर आपकी प्राइम मिनिस्टर की मुलाकातें हो रही हैं या वो सारा कुछ हो रहा है, आप कंपेयर करना भी चाइना के साथ नहीं है अपना, इतना बड़ा आपका साइज है। अगर इतना साइज हमारा होता और इंडिया हमसे छोटा होता, तो मैं कभी इंडिया को जो है ना कंपेरिजन में लाता ही ना, मैं बल्कि इतनी बात ही करता इंडिया की। तो बहरहाल ये एक ये आप तो करते रहे वहां पे, चलिए ठीक है, लेकिन लेकिन देखिए, मुझे आपकी ये बात बहुत पसंद आती है कि आप जो है पाकिस्तान में उन कुछ लोगों में से हैं जो बड़ी ईमानदारी से बात कर लेते हैं, और आपने जिस ईमानदारी से ये स्वीकार कर लिया, भले उसकी वजह आप अर्थव्यवस्था बताएं या कुछ भी बताएं, लेकिन आपने स्वीकार कर लिया कि भारत और पाकिस्तान इक्वल लेवल्स पर नहीं है, दुनिया जैसे ट्रीट करती है, भारत यहाँ है तो पाकिस्तान कहाँ है वो आपको पता है, ये बहुत स्वागत योग्य है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। विजय जी भी हमारे साथ जुड़ गए। विजय जी, जी एक बार दोहराएं सर, क्या कह रहे हैं? मैंने कहा साइज और इकोनॉमी का साइज मैटर करता है, पॉपुलेशन मैटर करती है, कंज्यूमर मार्केट बड़ी है, इसमें तो कोई शक नहीं है ना, अगर हम इस तरह से देखें तो इसमें तो कोई शक नहीं है। नहीं सर, आपका मुल्क छोटा है सर, ये समस्या नहीं है, उसकी इकोनॉमी छोटी है ये समस्या नहीं है, उस मुल्क की सोच छोटी है, और आपने पूरा ध्यान जो है वो 75 सालों में इंडिया के ऊपर लगाया, इंडिया को बर्बाद करने पर लगाया, ये आज की स्थिति है। आपको ये समझना चाहिए अब्दुल समद साहब कि क्यों आज आपको ये कहना पड़ रहा है कि भाई भारत की इकोनॉमी की वजह से हमको नहीं पूछ रहे, भारत भी तो वहीं से शुरू किया जहां से आपने शुरू किया, हम कोई अलग थोड़ी शुरू किए थे, और हम तो आपसे ज्यादा मुश्किल हालात में शुरू किए हैं। देखिए अगेन मैंने कहा कि हमारी इकोनॉमी का साइज छोटे, हमारी पॉपुलेशन का साइज आपसे छोटा। अब मैं पाकिस्तान चाइना से तो अपने आप को कंपेरिजन नहीं कर सकता, या अमेरिका से नहीं कर सकता, या इटली से नहीं कर सकता। ऑल्दो इटली छोटा मुल्क है, लेकिन उसकी इकोनॉमी, उसकी जीडीपी, अरे पर सर आपकी आबादी और आपके साइज, इकोनॉमी के साइज और आपके कंट्री के साइज की तुलना आप यूरोप के कई देशों से कर लेते ना सर, आप फ्रांस से कर लेते ना सर, आप तो वो भी नहीं कर सकते। आप इसको ईमानदारी से स्वीकार कर लीजिए ना कि आज आप जिस स्थिति में अपनी वजह से हैं, और भारत जहां है वो हमारी अपनी मेहनत की वजह से है, इसको स्वीकार कर लीजिए। तो आपको ये भी कहा जा सकता है कि आप चाइना को क्यों नहीं कम्पीट कर सक रहे, कि आपकी तो पॉपुलेशन में ज्यादा फर्क नहीं है, ज्यादा फर्क नहीं है, तो इस तरह से नहीं किया जाता कि अब आप दुनिया आपको उस तरह से ट्रीट नहीं करती जिस तरह चाइना को करती, फर्क हो जाता है ना। अब आप ये कहेंगे जी अगर उनका, देखिए एक तो जो हमारे अशोक सज्जन साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, विजय जी भी जुड़ गए हैं। विजय जी ये जो कह रहे हैं ये अपने आप में पूरी पिक्चर है कि कहां आज पाकिस्तान है और कहां हिंदुस्तान है, और जब पाकिस्तान के लोग भी ये स्वीकार कर रहे हैं कि हिंदुस्तान की ताकत इकोनॉमी के लिहाज से हो या दुनिया जिस तरीके से देखती है उस लिहाज से हो, तो यहां जब बैठकें होंगी और पाकिस्तान का जिक्र होगा, भारत मजबूती से अपनी बात रख पाएगा, आपको लग रहा है? बिल्कुल मजबूती से बात रख पाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, और भारत अभी इस स्टेज पे पहुंच गया है कि जिस स्टेज से उन्होंने अपनी खुद की कंपैरिजन पाकिस्तान से करना छोड़ देनी चाहिए। पाकिस्तान और भारत का जो एक हाइफनेशन कोल्ड वॉर में हुआ था, चीता युद्ध में हुआ था, अभी वो पूरी तरह से टूट गया है। भारत एक सबल राष्ट्र बनकर उभर कर सामने आया है, सबल और रिस्पॉन्सिबल,
राष्ट्र बनकर उभर कर सामने आया है, और इसलिए भारत ने आज जो अपना स्थान विश्व में खड़ा किया है उसे पाकिस्तान कहीं आसपास नहीं है। इसलिए हम अभी नए दायरे से पूरे अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के बारे में सोचना चाहिए। पाकिस्तान जो करना है उसकी एक न्यूसेंस वैल्यू है, और उसे आप जैसा सच कह रहे थे कि उसके पाकिस्तान की छोटी इकोनॉमी या छोटा मार्केट से इससे कुछ लेना देना नहीं है, ये तो सिर्फ एक्सक्यूजेस है। पाकिस्तान की जो न्यूसेंस वैल्यू है वो ये है कि उसमें एक इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट हब ऑफ ग्लोबल टेररिज्म और ग्लोबल ब्लैक मनी और ग्लोबल ट्रैफिकिंग ऑफ द ड्रग। ये जो एक एक्सिस पाकिस्तान से साथ जुड़ा हुआ है उसके कारण आज पाकिस्तान स्थिति पर पहुंचा है। हमको इससे सावधान रहना चाहिए, जो भी सुरक्षा के कदम आपको लाता हूँ डिबेट में सर। आप जिस पाकिस्तान की न्यूसेंस वैल्यू की बात कर रहे हैं सर, अशोक सज्जनहार साहब, क्या 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 आप विजय जी की बात से इत्तेफाक रखेंगे कि यहाँ पाकिस्तान अफगानिस्तान टेररिज्म का जिक्र तो हो ही, लेकिन भारतीय प्रधानमंत्री को जो बाइडेन से और क्वाड में भी, क्वाड में शायद संभवतः होगा ही, लेकिन फिर भी चीन का मसला बहुत गंभीरता से उठाना चाहिए, क्योंकि उस रीजन के लिए, इंडो पैसिफिक रीजन के लिए और साथ में पाकिस्तान और टेररिज्म को पीछे से सपोर्ट करने के लिए, बैक करने के लिए आज की डेट में चीन की भूमिका सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखिए बात ऐसी, जब जैसे कहा जाए इनकार्नेशन हुआ में, क्योंकि पहले 2007 में मुलाकात हुई, परंतु उसके बाद एक मुलाकात के बाद वो बस उसके आगे बात नहीं हो पाई, क्योंकि चीन ने उसके ऊपर अपना, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर अपना दबाव बनाया। अभी 2017 में इसीलिए इसका पुनर्गठन हुआ है, एक बारी फिर रिजुविनेशन हुआ है, क्योंकि चीन की आक्रामकता है न केवल भारत के विरुद्ध, भारत के जहां पर हम देख रहे हैं अभी पिछले साल लद्दाख में, 2017 में डोकलाम में, उसके बाद साउथ चाइना सी में, उसने वहां पर जो भी अंतर्राष्ट्रीय कानून हैं इसके, जो क्या आपके आधिपत्य में होना चाहिए, उसको उसने बिल्कुल एकदम नकार दिया है। जुलाई 2016 में एक परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का रूलिंग आया था, उन्होंने कहा जो आपका, जो चीन वहां पर क्लेम करता है, जो उसका 9-9 है, उसमें करीब 90% वो क्लेम करता है, वो बिल्कुल नाजायज है, परंतु फिर भी चीन ने उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। वो बहुत आक्रामक तरीके से वहां पर बिहेव कर रहा है, बहुत सारे जो टापू हैं उसको बिलोंग नहीं करते हैं, उसके ऊपर उसने कब्जा कर लिया है, बहुत सारे कृत्रिम टापू उसने बना लिया, आर्टिफिशियल आइलैंड्स, उनको मिलिटराइज कर रहा है, और कहता है जो किसी को भी यहाँ से आना होगा तो हमसे पूछ कर आना होगा, कोई हवाई जहाज ऊपर से उड़ेगा तो हमसे पूछ कर उड़ेगा। तो ये बिल्कुल सभी देशों को नाव गंवा रहा है, इसीलिए क्वाड का गठन हुआ पुनर्गठन हुआ 2017 में। और अभी जब बात होगी, यकीनन जिसको हम कहते हैं मैरीटाइम सिक्योरिटी, उसके साथ साथ अब हमने और भी बहुत चीजें, क्लाइमेट और COVID-19 और वैक्सीन और इमर्जेंट टेक्नोलॉजीज वगैरह वगैरह, ये सब चीजें ले आए हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है, परंतु सबसे महत्वपूर्ण है मैरीटाइम सिक्योरिटी, वो सबसे महत्वपूर्ण है जो चीन के विरुद्ध हम इसको बिल्कुल पुशबैक करें। देखिए आखिरी बात मैं यही कहूंगा, जो अभी ऑकस जो आया है, ऑस्ट्रेलिया यूके यूएस का जो एक बिल्कुल टोटल प्योर सिक्योरिटी अलायंस है, वो उभर कर आया है, तो ये सोच रहे हैं जो हमको क्वाड में, हम इसके बारे में, सुरक्षा के बारे में बात नहीं करें, मैं उससे सहमत नहीं हूं। देखिए इसका जो रेजॉन आत्र है, इसका जो एग्जिस्टेंस का है, वो क्यों शुरुआत हुई है, वो है चीन की वहां पर आक्रामकता, चीन का बेलिजरेंस और चीन का अग्रेसिवनेस, और अगर उसको आप हल्का करेंगे, उसको आप इतनी ज्यादा अहमियत नहीं देंगे, तो मेरे विचार से और चीजों में बहुत वो शिथिल हो जाएगा। सुशांत, ठीक है, सुशांत सरीन साहब जो बातें अशोक सज्जनहार साहब बता रहे हैं उसको आगे ले जाते हुए मैं पूछ रहा हूं कि क्या जब भारत यहां पर आतंकवाद की बात करता है, और अमूमन हमने देखा उस रीजन में जब हम बात करते हैं तो हम रेडिकलाइजेशन और पाकिस्तान का जिक्र तो करते हैं, लेकिन जिस तरीके से सपोर्ट चीन कर रहा है उसको भी यहाँ उठाने और यूएनजीए में भी उठाने की ज़रूरत है क्या? बिना अब नाम लिया जाए नहीं लिया जाए इस पर भी चर्चा हो सकती है, लेकिन चीन को अब एक्सपोज करना ज़्यादा ज़रूरी है अगर ये हम स्वीकार कर रहे हैं कि पाकिस्तान की न्यूसेंस वैल्यू से ज़्यादा कुछ नहीं है। नहीं देखिए, मैं नहीं मानता कि पाकिस्तान की सिर्फ न्यूसेंस वैल्यू है, न्यूसेंस वैल्यू से ज्यादा है। और पाकिस्तान, देखिए चीन से जो हमको खतरा है वो एक
एक एक जिसे आप कहें कि एक स्टेट टू स्टेट लेवल का खतरा है। पाकिस्तान से जो खतरा है वो एक और बड़ा इंसीडियस टाइप का खतरा है, जिसमें वो आतंकवाद और इस तरीके की हटकंदे जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं। अभी वैसे समद साहब इतनी बड़ी जो बातें कर रहे थे, अगर सिंपल एक चीज कह देते कि अंगूर खट्टे हैं तो बात समझ में आ जाती, क्योंकि आज से एक दो दशक पहले तक तो पाकिस्तान अमरीका के बड़ा चहेता होता था, और सिर्फ ये मार्केट को लेकर के या आप पॉपुलेशन को लेकर के उससे आपके रिलेशनशिप नहीं बनते, क्योंकि अगर वो पहलू होता तो 1947 से लेकर के 1990 तक जब इनकी बड़ी नज़दीकियां थी अमेरिका के साथ, तो वो तो इक्वेशन तब भी ऑपरेट कर रहा था। और अगर हम ये माने कि भारत जिसकी इकोनॉमी और जिसकी आबादी जो है वो ऑस्ट्रेलिया से कई गुना बड़ी है, लेकिन उसके बावजूद ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के ज़्यादा नज़दीक रिलेशनशिप हैं, तो अब समद साहब के लिए अंगूर खट्टे हैं तो वो मेरे को बात समझ में आती है। जहां तक एम्बेसडर साहब बात कर रहे थे, देखिए ये तो ठीक है कि आतंकवाद एक बहुत बड़ा मुद्दा उभर करके आएगा, और भारत के लिए तो खास तौर से ये बहुत जरूरी है। सुशांत देखिए, अगर आप नक्शा देखें और क्वाड का जो देश है, चार देश, हमारे लिए तो अफगानिस्तान हमारे पड़ोस में है, उसमें जो आग लगी हुई है वो तो हमारे देश के अंदर आएगी आएगी, और वो पाकिस्तान के जरिए आएगी, तो वो तो हमारे लिए क्लियर और प्रेजेंट डेंजर है। अब बाकी जो तीन देश हैं वो तो एक 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 ओशन और एक कॉन्टिनेंट अवे है वहां से, तो उनकी शायद वो वाली मजबूरियां नहीं रहेंगी जो हमारी हैं। लेकिन अगर हम एक सुरक्षा अलायंस की बात कर रहे हैं या एक समन्वय बनाने की बात कर रहे हैं, तो फिर ये नहीं हो सकता कि हम भारत के पूर्व में तो समन्वय करें लेकिन भारत के पश्चिम में हम एक दूसरे के एक लिहाज से इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट ना करें। तो मेरे ख्याल ये जरूरी होगा, और मेरे ख्याल ये मोदी जी के लिए। पूर्णिमा जी, मैं इस पर आपका रिएक्शन लेना चाहूंगा कि जब हम चर्चा कर रहे हैं अफगानिस्तान की, पाकिस्तान की, तो उसमें उसमें भारत के, चूंकि भारत को महसूस होगा जो भी अफगानिस्तान में होगा, हमारी जो नज़दीकी है, हमारे बिल्कुल पड़ोस में है, उसके लिहाज से भारत को यहाँ क्या बातें रखनी चाहिए। लेकिन अब्दुल समद साहब जो सुशांत सरीन कह रहे हैं, मैं उस पर एक छोटा रिएक्शन आपका चाहता हूँ कि अंगूर खट्टे हैं वाली स्थिति में अगर मैं सिर्फ ये प्रश्न जोड़ दूँ, ईमानदारी से बताइएगा, आप तो वैसे ईमानदारी की बात करते हैं इसलिए पूछ रहा हूँ, आज जब ये सब देखते हैं और रियलाइज करते हैं कि इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया, दिल में कभी कभी आता है कि क्यों गए, यहीं रुक जाना था? अगर आप इस तरह की बात करते हैं कि हम इंडिया को देख के कुछ सोचते होंगे तो नहीं, उससे ज्यादा हम फिर चाइना को देखते हैं कि चाइना तरक्की कर रहा है और उसमें बहुत ज्यादा तरक्की है, तो आपको भी चाइना को ही देखना चाहिए डेफिनेटली। और सुशांत जी ने बात की है, उनसे नोक झोंक चलती रहती है, अंगूर तो दूर की बात है, उनको तो मेरा सांस लेना भी गवारा नहीं होगा, वो कब, वो तो चाहेंगे कि सांस ही बंद हो जाए इनका। नहीं, आप पे सुशांत जी रिस्पॉन्ड करें, मेरा सवाल का आपने जवाब नहीं दिया। मैं कह रहा हूँ आपको, आपको आज ये अकेले में चाय पीते वक्त लगता है कि इंडिया में रुक गए होते तो ज्यादा अच्छा होता? नहीं, ये कभी फील नहीं हुआ। लेकिन वैसे आपको जाती बात तो मैं को वो शख्स नहीं हूँ जो जेलस हूँ कि अगर इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है या प्रॉस्पर हो रहा है तो मैं उससे कतन जेलस नहीं होता, क्योंकि मुझे रीजन तो यही है ना मेरा, मैं तो चाहूंगा कि ये रीजन जो है वो तरक्की करे, कि वहाँ की आवाम भी जो पॉवर्टी लाइन है वो उसके ऊपर है, उनका भी लाइफ स्टाइल अप और यहाँ का भी हो। तो जहाँ तक आवाम की बात है वो तो दोनों के लोगों का फायदा है, तो मैं कम अज कम उसको तो पूरा फील नहीं करता। ठीक है पूर्णिमा जी, एक रिएक्शन आपका जो जिक्र हम कर रहे थे इस रीजन के लिहाज से और चाइना का उसमें किरदार जो है उसके लिहाज से, पीएम का फोकस यहाँ पर जब ये बायलैटरल मीटिंग्स होती हैं पाकिस्तान पे ज्यादा होना चाहिए, चीन पर ज्यादा होना चाहिए, कॉम्बिनेशन पर ज्यादा होना चाहिए? वेरी गुड क्वेश्चन, थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक बात कहना चाहूंगी, जो अब्दुल साहब आपने बताया कि पाकिस्तान बहुत छोटा है, ये सच है, लेकिन पाकिस्तान का न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज हायर देन इंडिया, हायर देन इजराइल, हायर देन नॉर्थ कोरिया, ये तो बताना चाहिए ना। सेकंड थिंग, मैं अब्दुल साहब को एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी इस फोरम के जरिया। पाकिस्तान एक एंटी इंडिया डोसिए लेके आया है डीसी में, क्यों? और यूएन में ऑब्वियसली दे आर ट्राइंग टू पुश एजेंडा अगेंस्ट इंडिया,
ये तो थोड़ा सा हद से बाहर हो गया ना। और थर्ड क्वेश्चन जो आपने पूछा, एंटी इंडिया डोसिए एक लेके आए अगेंस्ट इंडिया के, इंडिया का बिहेवियर सही नहीं है और वहाँ पे टेररिज्म का अड्डा बना हुआ है इंडिया में। और ये बात भी सही है कि इंडिया की जो दियोबंदी जो है वो तालिबान की गठजोड़ है उनका, वी नो दैट, वी अंडरस्टैंड। जो इंडिया में स्लीपर सेल्स है पाकिस्तान के साथ काम कर रहे हैं, ISI के साथ काम कर रहे हैं, हमें पता है। लेकिन कोई कंट्री डेवलपमेंट की तरफ जा नहीं सकता अगर सेफ ना हो। तो पाकिस्तान अगर कंटिन्यूअसली इंडिया को पोक करते रहे ना तो इंडिया की डेवलपमेंट में डिफिकल्टी होगी फॉर श्योर। सो मेरा क्वेश्चन ये था, आप मुझे ये बात तो पाकिस्तान को भी रियलाइज करनी होगी पूर्णिमा जी, जिसका आप जिक्र कर रही हैं कि इंडिया का सेफ होना जितना ज़रूरी है उतना ही पाकिस्तान का भी अपने विकास के लिए, क्योंकि फिर कोई आज से 20 साल बाद अब्दुल समद बैठकर कहेंगे कि इंडिया और आगे चला गया क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी बढ़ी है। लेकिन वो इंडिया की इकोनॉमी बड़ी करने के लिए हमने किया क्या, कैसे हमने अपने आप पर फोकस किया और पाकिस्तान को बर्बाद करने पर फोकस नहीं किया, ये भी उनको सोचना होगा। खैर, अभी मैं आपको एक बार तस्वीरें फिर से दिखा देता हूँ। अपडेट यहाँ का ये है वॉशिंगटन में इस वक्त की बारिश जो है वो लगातार हो रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही है और तेज़ होती है, थोड़ी कम होती है लेकिन रुकते हुए अभी तक हमने इसको देखा नहीं है। लेकिन इस बारिश के बीच भी जो उम्मीदें बरस रही हैं, आसमान से बारिश बरसे लेकिन उम्मीदें जो हैं वो तमाम बरसती हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरा करते हैं, अमेरिका का दौरा करते हैं, दुनिया के किसी भी हिस्से का, तो वो उम्मीदें बरस रही हैं। और उन उम्मीदों के बीच प्रधानमंत्री की आज मुलाकात CEOs के साथ, अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री की मुलाकात ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ, अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री की मुलाकात कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट्स उनसे दोपहर के 3 बजे करीब, यहाँ के दोपहर 3 बजे, और उसके बाद मुलाकात जापान के प्रधानमंत्री सुगा के साथ।